हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू ब्लॉग। भाई उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं और भाई हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो यार दो दिनों के लिए वीडियो नहीं आई थी, एक दिन तो चलो कोई मसला हो गया था, दूसरे दिन हम लोगों ने कल मतलब के डाला था, पर वो जो है भाई यूट्यूब वालों ने कुछ मसला कर दिया। वो जो वीडियो था कि भाई आप फाइल लॉक किस तरह कर सकते हैं ऑनलाइन, वो सारा प्रोसेस हम लोगों ने किया था, किसी दोस्त का जो है फाइल लॉक कल किया था, तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो भाई YouTube पे तो वो अपलोड नहीं हो पाई इसलिए वीडियो भी नहीं आई, पर हम लोगों ने Facebook पे किया है। और अगर आपको भाई अपना फाइल लॉक करना है या आपको मतलब कि जानना है कि किस तरह करते हैं, तो जो हमारा Facebook पेज है भाई वहाँ पे जाओ और वहाँ पे पूरी 17 मिनट की वीडियो है A to Z जो डिटेल्स में हम लोगों ने वो बनाई हुई है वीडियो वहाँ पे। और उसके अलावा आज जो है हमारी छुट्टी का दिन भी है और आज भाई ट्यूजडे है और हम जो है भाई निकले हैं अभी। एक दोस्त हमारा आ रहा था भाई वैलेंसा से, तो उससे जो है मिलना है, वो ऑलरेडी खड़ा हो गया है और हम थोड़ा बहुत लेट हो गए। उसका जो ट्रेन है 4 बजे पहुंचना था पोर्टो कंपनिया पे, वो पहुंच चुका है, पर हम लोग अभी जाएंगे भाई, वो जो है वहाँ पे हमारा वेट कर रहा है भाई। वो देखो यहाँ पे भी आग जो है लगी है, वो जो काला काला आप देख रहे हो लोग, ये देखो बहुत आग लगी है यार, यहाँ पे हर जगह पे आग लगी हुई है समर की वजह से। हाँ तो गाइज अभी जो है हम पोर्टो भाई कंपनिया में पहुँच गए हैं, पर ये जो स्टेशन है मेट्रो भाई बड़ा है, क्योंकि ये देख सकते हो ये ट्रेन मेरे पीछे खड़ी है, ट्रेन और मेट्रो ये साथ में ही है ऑलमोस्ट। तो अभी भाई ढूंढते हैं उस बंदे को, अपने दोस्त को, के बाद वो जो है कहाँ पे खड़ा है यहाँ पर। हाँ तो गाइस अभी जाके हम लोग फारिग हुए हैं, जो पीछे भाई बस स्टेशन है लोग खड़े हैं वहाँ पे, जो हमारा दोस्त था वो किसी और के पास गया है, क्योंकि भाई उसका मूड तो था हमारे पास रहने का, पर हम लोग टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन में है, कोई अपार्टमेंट वगैरह नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं रहा। तो भाई वो उस दोस्त के पास रहेगा और जो सुबह होता ही वो वापस जो है वैलेंसा चला जाएगा। तो गाइज अभी जो भाई हम लोग बैठे हैं, मेरे पीछे सैफ है, एक औरत खड़ी है, हम लोग बस के इंतज़ार में है, तो मैं ये वाली बस है भाई, तो ये वाली बस से आगे जाएगी, टर्न करके आएगी और 10:40 पे आएगी और तकरीबन 20 मिनट में जो है वो हम लोग घर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो भाई अभी जो है 11:30 बजे और अभी हम अपनी जो अपना रूम है उस पर पहुँचे हैं। तो अभी जो है आपके जो कमेंट्स हैं, काफ़ी दिनों से हमने उसका जवाब नहीं दिया है, तो आज उसके कुछ कमेंट्स के आपको जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले भाईजान, अगर मैं अब यूक्रेन से EU आऊँ अपनी यूक्रेनियन TRC से, तो क्या मुझे प्रोटेक्शन मिल सकता है कहीं? तो भाई अगर आप अभी भी यूक्रेन में हो, तो अगर आप निकलते हो वहाँ से तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी होम कंट्री में हो तो आप किसी दूसरी EU कंट्री में यूक्रेनियन TRC पे ट्रेवल नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट यूक्रेन से किसी दूसरी कंट्री में आओ तो फिर आप आ सकते हैं और टेम्परेरी प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। और उसके बाद है भाई इलेक्ट्रिकल ड्राइवर एंड ELV टेक्नीशियन जॉब मिलता है? हाँ भाई, इस तरह के यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब्स होते हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं और डिग्री वगैरह या डिप्लोमा वगैरह है तो आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है इस तरह की। और आगे भाई ने क्वेश्चन किया कि आपसे काफ़ी दफ़ा पूछा है कि पुर्तगाल प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है और रजिस्ट्रेशन हो गई थी, लेकिन अब नेक्स्ट ईमेल नहीं आई उनकी। तो भाई अभी आपको तो 24 डेज हुए हैं, लेकिन हमें 4 महीने हो गए हैं, उनकी कोई भी नेक्स्ट ईमेल हमें नहीं आई है। हमें ख़ुद को पर्सनली अभी तक इनका जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन वाला सर्टिफिकेट होता है वो रिसीव नहीं हुआ, लेकिन हमें जो सोशल नंबर है और टैक्स पेयर नंबर है वो सिर्फ रिसीव हुए थे, और उसके बाद जो फुल सर्टिफिकेट होता है वो हमें भी अभी तक नहीं मिला। हमने उनसे कांटेक्ट किया था, रबते में थे, वो यही बोलते हैं अभी तक कि आप जो है वेट करें। और उसके बाद है वीकेंड डे पे जॉब के बाद पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं? हाँ भाई, आप कर सकते हैं फाइनेंस में एक्टिविटी खुला के, ये कोई इशू नहीं है और काफ़ी सारे लोग करते भी हैं। उसके बाद है कि ब्रो अल बिरगारिया ई विला पोर्टो में घर मिल सकता है क्या, आप प्लीज़ दिला सकते हो? भाई हम खुद भी ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं जगह का, क्योंकि हम जहाँ पर रह रहे हैं ये टेम्परेरी है हमारा, तो आप इंटरनेट पर सर्च करें, सबसे बड़ा हेल्पर आपका गूगल और इंटरनेट है, वही आपकी हेल्प कर सकता है, हमारे इतने कोई कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं नहीं है। के बाद है इज TB टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर पुर्तगाल वर्क वीज़ा? तो भाई वी थिंक के है, लेकिन हमें भी इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप जो एम्बेसी है उससे आप कंफर्म कर सकते हैं, ईमेल वगैरह उनको करके आप उनसे जो है कंफर्म कर सकते हैं। जो यहाँ पर हैं, हम जब यहाँ पर आए थे और अप्लाई किया था जब हमने यहाँ पर टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए,
तो यहाँ पर जो हमारे टेस्ट हुए थे उनमें से जो है टीबी का भी टेस्ट हुआ था, तो हमें इसलिए लगता है कि ये लाजमी होगा, लेकिन बाकी आप कंफर्म कर सकते हैं एम्बेसी वालों से। और उसके बाद है, भाई क्या लिस्बन में डिश वॉशिंग का काम अनस्किल्ड बॉय को मिल सकता है? हाँ भाई, डिश वॉशिंग का जॉब जो है वो अनस्किल्ड को ही मिलता है। आप अगर ट्राई करेंगे, जाएंगे रेस्टोरेंट्स के पास, मतलब सर्च करेंगे, तो होपफुली आपको मिल जाएगा, और घर बैठे तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला आपको। उसके बाद है, सैलरी कितना है और वीकली कितने आवर्स ड्यूटी होती है पुर्तगाल में? भाई वीकली जो लीगल और नॉर्मल है वो 40 आवर्स होते हैं पर वीक, जो कि मतलब एक दिन में 8 घंटे और 2 दिन आपकी छुट्टी होती है, या फिर ये शेड्यूल किसी और तरह का भी हो सकता है, लेकिन 40 आवर्स आपको मैक्सिमम करने होते हैं। और जो सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी यहाँ पर 705 है या 740, इस तरह की बेसिक सैलरी होती है यहाँ पे। उसके बाद है, आपका सैलरी कितना है? तो भाई हमारा जो सैलरी है वो भी बेसिक सैलरी है, 705 यूरो। और उसके बाद है, हाउ मच सैलरी? सेम क्वेश्चन। और उसके बाद है, यू हेल्प मी टू सर्च जॉब फॉर डॉक्यूमेंट? भाई जॉब सर्च के हवाले से ये है कि आप खुद कर सकते हैं, इंटरनेट इंटरनेट पर, फेसबुक पर, या अगर आप पुर्तगाल में हैं तो आप डिफरेंट प्लेसेस पर जाओ जहाँ पर आपको जॉब चाहिए। कंपनीज हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉप्स हो गए, आप वहाँ पर जाओ और ढूंढो, सर्च करो, सर्च करने से ही मिलेगी। लेकिन हम इसके अलावा, इंफॉर्मेशन के अलावा आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। तो भाई आगे भी रहते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि 2 दिन पहले वाले कमेंट थे वहीं तक पहुंची थी, लेकिन अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उनको भी कवर कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।